सक्षम डॉक्टरों द्वारा ही कराया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त ये भी जान लेना ज़रूरी है कि ऐसी भी टेक्निक उपलब्ध हैं जिनको हम ज़ीरो एरर टेक्निक कहते हैं। ज़ीरो एरर टेक्निक इस तरह से समझ लीजिए कि घुटना प्रत्यारोपण से पहले हम घुटने का एमआरआई और एक्सरे आदि लेते हैं, उसके द्वारा बायोटेक्निकल लैब में संबंधित मरीज़ की घुटने की हड्डियों का 3D मॉडल बनता है प्लास्टिक का। इस पर कंप्यूटर द्वारा सारे कैलकुलेशन होते हैं, उसके लिए बाद हमें कितना मोटा इम्प्लांट चाहिए, कितना चौड़ा चाहिए, कितना ऊंचा चाहिए, किस एंगल पे चाहिए, कितनी थिकनेस का चाहिए, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर द्वारा कैलकुलेट हो जाती हैं। और फिर व्यक्ति विशेष के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन डिज़ाइन होता है, उसके ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन होता है जो उसकी घुटने की हड्डियों पर ही फिट बैठता है, ये किसी और मरीज़ की हड्डियों के लिए नहीं फिट बैठ सकता। इसमें प्री डिसाइडेड होता है कि हमारा इतनी कार्टिलेज हटेगा, इसका ये एंगल होगा, ये स्लॉट होगा, इस नंबर का इम्प्लांट लगेगा, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड। तो ये ज़ीरो एरर टेक्निक कहलाती है। इसमें ऑपरेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती है और 100% सफलता मिलती है। तो अगर जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा आ सके, उसका खर्चा बेयर कर सकते हैं, उन लोगों को इस तरह की टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए। हालांकि इस तरह के इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने में लगभग 3 हफ्ते का समय मिलता है। कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे मरीज़ आते हैं कि वो कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है, फिर भी हमें एक्यूरेसी चाहिए। तो इसके लिए भी आज की डेट में समाधान आ गया है। कई लोग हम लोगों के पास आते हैं जिनके पास समय नहीं होता कि वो 3 से 4 हफ्ते पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन या उनके लिए डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट के लिए वेट कर पाएँ। उनके लिए भी बताना ये आवश्यक होगा कि आज की तारीख में हमारे पास एक ISS टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इसमें कंप्यूटर द्वारा संचालित ये पॉड्स होते हैं, जो 4 पॉड्स होते हैं, जिनको ऑपरेशन के दौरान हम लोग ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औज़ारों के ऊपर ही फिक्स कर देते हैं। इसमें LED इंडिकेटर्स होते हैं, ये इंडिकेटर्स ऑपरेशन के दौरान रेड और ग्रीन जलते हैं और हमें डिज़ायर्ड एंगल, 0 एंगल चाहिए, 2 डिग्री चाहिए, 3 डिग्री चाहिए, उतने एंगल पे ये हम फिक्स करके औजार को फिक्स कर देते हैं और फिर ऑपरेशन करते हैं। ये भी एक तरह की ज़ीरो एरर टेक्नोलॉजी है और इसमें हमें 3 से 4 हफ्ते वेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑपरेशन के दिन ही इनका इस्तेमाल हो जाता है। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है और घुटनों का दर्द है, मेरा एडवाइस यही है कि ऑपरेशन कराइए और पेन फ्री लाइफ अपनी लीड कीजिए। आपका जीवन का स्तर बहुत अच्छा सुधर जाएगा और आप अपने आप को खुद ही महसूस करने लगेंगे कि अब मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ और अपना जीवन बहुत अच्छी तरह बगैर किसी दर्द को महसूस किए हुए जी सकता हूँ। जिंदगी को चुने, न कि जिंदगी भर के दर्द को। खुशी चुने, न कि अधिक तकलीफ को। ये सभी सफल हुए अपने दर्द से छुटकारा पाने में हमेशा के लिए। तो आप क्यों नहीं? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो घुटने की गठिया से दर्द के साथ जी रहे हैं, उन्हें घुटने का ऑपरेशन करा लेना चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह दर्द रहित एक्टिव जीवन निर्वाह करना चाहिए। कहीं आप दर्द से परेशान तो नहीं? घुटनों में दर्द, सूजन व पैरों में टेढ़ापन, रीढ़ या कमर का दर्द, कूल्हे की तकलीफ या ठीक से ना चल पाना, हड्डी रोगों से संबंधित सभी समस्याओं के विश्व स्तरीय इलाज एवं सुविधाओं के साथ ग्लोबस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल, उत्तर प्रदेश का पहला एकमात्र एक्सक्लूसिव ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह, विशिष्ट दवाओं से लेकर आधुनिक जोड़ प्रत्यारोपण आदि के लिए ग्लोबस ज्वाइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल, 117/N/33 A1 मार्केट, काकादेव, कानपुर।